आज भी इस देश में मेरे बाप का कानून लागू है, नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी का कोई पर्सनल दुश्मन तो हूं नहीं, और मैं देश में नरेंद्र मोदी हटाओ ये कैंपेन भी नहीं चलाता। मैं इस बात में विश्वास ही नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी हटाओ। एक मोदी हटाओगे, दूसरा बिठा देंगे, दूसरा हटाएंगे, तीसरा बिठा देंगे। इसलिए हमको नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश नहीं करनी है। मोदी जिस फैक्ट्री से तैयार होता है, उस फैक्ट्री आरएसएस को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश से आरएसएस को हटाना चाहिए। अमेरिका में कल परसों बात हुई है, वहां के लोगों ने कहा है कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। यह बात कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन में हो रही है। और हम लोग उनकी बातों पर देश चला रहे हैं। मोहन भागवत कहेगा कि आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए, मोहन भागवत कहेगा तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है। हम लोगों को तो सबसे पहले मांग ये करनी चाहिए कि इस देश में जो भाईचारा बना है, एससी के लोग, ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आपस में भाईचारा के माध्यम से इस देश में शांति से रह रहे हैं। ये मोहन भागवत स्टेटमेंट कर देता है, हम लोगों में दंगे निर्माण होते हैं। इसलिए इस देश के सुरक्षा के लिए मोहन भागवत को रासुका लगाकर जेल में डालना चाहिए। भाई ये आदमी खतरनाक है देश की सुरक्षा के लिए, कुछ भी बोल देता है और देश उसके ऊपर काम करता है। तो हम लोगों को यह मांग करनी होगी, आज हम लोगों को यह संकल्प लेकर जाना होगा। अगर आप हिंदू है तो इस देश में रहना होगा। ये क्या मोहन भागवत के बाप का देश है? वेरी गुड। देश के संविधान के एक पन्ने को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये गारंटी मुझे आज पूरे देश भर में मिली। मैं कल ही पश्चिम बंगाल से आज सुबह में 1 या 2 बजे आया था। पूरे देश भर में हम लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और केवल देश भर में ही नहीं। श्याम जलकेश जी ने कहा कि इंटरनेशनल कानून के सामने हमको जाने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए था नहीं है। 1 अक्टूबर 2019 को मैं वॉशिंगटन डीसी जाकर आया हूं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको USCIRF कहता है, 1.5 घंटा मेरी यूएस कमीशन के साथ चर्चा हुई है, और आज उसका रिजल्ट यह है कि उन USIRF ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर बैन लगाने की, प्रतिबंध लगाने की। 27 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में अमेरिका में मैं अपने माथे पर काली पट्टी लगाकर नरेंद्र मोदी इज अ किलर, ये एक नारा देकर हम यूएस में आंदोलन कर रहे थे, हम वहां पर आंदोलन कर रहे थे। मुझे पता है इस देश के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे आपकी विधान भवन हो, विधानसभा हो, संसद हो या पुलिस हो, सबके ऊपर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। सुनने वाला मैं नहीं बोल चुका हूं, मेरे पास वीडियोस है। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं है, ये आरएसएस के फुल टाइमर कार्यकर्ता है, जिनको पुलिस की वर्दी पहनाकर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए यहां पर काम कर रहा है। ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस नहीं है, ये छोटी वर्दी पहनकर हमारे लोगों को गोली मारने का काम कर रही है। वो पुलिस कैसे हो सकती है जो हमारे बच्चों को मारेगी? जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर यह कहती है कि मेरे श्राप की वजह से हेमंत करकरे मर गया, वो पुलिस वाले हम लोगों को गोली कैसे मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं? ये पुलिस नहीं है, ये आरएसएस के लोग पुलिस बन बैठे हैं। ये आरएसएस के लोग हैं जो होम मिनिस्टर बन गए हैं। ये आरएसएस के लोग हैं जो इस देश का प्रधानमंत्री बन बैठा है। ये इस देश के लोग नहीं है, ये इस देश के लोग नहीं। ये हमको कहते हैं, ये हमको कहते हैं कि आपको देश से बाहर निकालें, आप लोगों को देश से बाहर निकालें। हम लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको नागरिक होने का दर्जा नहीं देंगे। अरे आप हमको क्या नागरिक होने का दर्जा नहीं देंगे? अगर आप हमको नागरिक नहीं मानते, हम आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते।
आतंकवादियों को कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आतंकवादी कपड़ों से पहचाने जाते हैं। परसों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, मेरे सर पे टोपी थी, मेरे सर पे जो आप लोग पहनते हो कुर्ता नहीं हुआ, आप लोग जो पहनते हो वो मेरे था। मैं मोदी जी को बोलता हूँ, मुझे पहचानो मेरे कपड़ों से, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, क्रिश्चियन हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 2019 का खतरा बाबा साहब ने 1954 में ही पहचान लिया था। बाबा साहब ने जब इस देश को संविधान दिया, 26 नवंबर जो हम लोगों ने आज प्रियम्बर पढ़ा, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और देते हुए कहा, ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना, ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा, संविधान किसी काम का नहीं होगा। आज ये संविधान किसके हाथों में है, किनके हाथों में है संविधान? गोधरा हत्याकांड का प्रमुख आरोपी, गोधरा हत्याकांड का प्रमुख आरोपी इस देश का संविधान है, जो दलितों है, जो दलितों है उसके हाथ में इस देश का संविधान है। वेरी गुड। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज बेल पर है, कौन से मैटर में जेल गई थी पूछो जरा, क्या सर इस देश के लोगों के हक पर अधिकार को बचाने के लिए जेल गई थी? आतंकवादी खुदकियों करके वो वहां पर जेल में गई थी। मैं मोदी से पूछता हूँ, आप कहते हो कि कपड़ों से टेररिस्ट पहचाने जाते हैं, तो यह प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कौन से कलर का कपड़ा है? इस देश में आतंकवादी कपड़ों से नहीं पहचाने जाएंगे, धर्म से नहीं पहचाने जाएंगे। इस देश के खिलाफ अगर कोई बहुत भी कार्रवाई करता हो, कोई बहुत भी अगर काम करता हो, मैं पहला आदमी होऊंगा उसके लिए मांग करने की, इसको फांसी पे चढ़ाया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बहुत गुड, बहुत गुड। आज हम लोग इस देश के संविधान को बचाने में तथित बहुत तुले हुए लगे हुए हैं। ये एनआरसी सीए नहीं है, क्या कहा है इसमें, 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स जिसके पास नहीं होंगे उसको इस देश की सदस्यता नहीं मिलेगी, इस देश की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। किसके पास है 1971 के प्रूफ? आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, इलेक्शन आईडी, पासपोर्ट। अमित शाह कहता है ये सारे प्रूफ नहीं माने जाएंगे, इनको प्रूफ नहीं माने जाएंगे। अरे हमारे किचन में आज प्याज नहीं मिल रहा, 1971 के डॉक्यूमेंट कहां से मिलेंगे? 1971 के डॉक्यूमेंट कहां से मिलेंगे? हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है 1971 के पहले का? इस तरह का कानून बनाया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये क्यों हो रहा। 1925 आज का जो ये सब चल रहा है इसकी जड़ें है 1925 में। 1925 में इस देश में आरएसएस की स्थापना हुई और उसी दिन आरएसएस ने कसम खाई है कि 100 साल में हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। 2025 को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस 2025 से पहले इस देश में से सभी लोगों को या तो हिंदू बनाया जाएगा। क्या कहता है मोहन भागवत? मोहन भागवत कहता है अगर इस देश में आपको रहना है तो हिंदू आपको बनना होगा, हिंदू कहना होगा, अगर आप हिंदू है तो इस देश में रहना होगा। ये क्या मोहन भागवत के बाप का देश है? हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, महात्माओं ने इस जमीन के लिए, इस मिट्टी के लिए अपना खून मारा है, बहाया है। अरे आज इस देश का मुसलमान चार रोज की नमाज पढ़ता है तो पहले इस जमीन को अपना माथा लगाता है। वेरी गुड। हमारा देश है और ये बाहर से आए हुए लोग हमको कहते हैं, इनका जरा इतिहास ढूंढ निकालो। नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहता है, नेहरू खुद कहते हैं कि इस देश का ब्राह्मण इस देश का नहीं है, वो यूरोपिया से आया हुआ है। अरे इस देश में एनआरसी लागू करने से पहले डीएनए कार्ड लागू करो, इस देश से हमारा माता है, आपका नहीं, ये देश हमारा है, हम लोग इस देश के लोग हैं। ये 2025 से पहले इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। अमित शाह कहता है कि 100 करोड़ लोग इस देश में घुसपैठिए हैं। कितने? 100 करोड़ लोग। इस देश की लोकसंख्या कितनी है? 132 करोड़ में से अगर 100 करोड़ को निकाल दिया जाए बचते कितने हैं? 32 करोड़।
32 करोड़। इस देश की परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन 3.5% ब्राह्मण, 4.5% क्षत्रिय वैश्य, ये सारे पकड़ के 15% होते हैं और 85% हम लोग, 85% सिख बुद्धिस्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज एससी एसटी ओबीसी हम 85 है। अब ये अमित शाह कहता है कि हम लोग 100 करोड़ लोगों को बाहर निकालेंगे, ये 100 करोड़ लोग और कोई नहीं है, हम सब है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी हम सारे लोग, इनको ये कह रहा है कि बाहर निकालेंगे, और जो बाहर से आया है उनको इस देश की नागरिकता देंगे और हमको बाहर नहीं निकालने वाले। ये कानून मुसलमानों के उतना खिलाफ नहीं है जितना इस देश के लोगों के खिलाफ है, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है। क्या कहता है ये कानून? अगर 1971 में और उससे पहले के अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपको, अगर आप हिंदू है सिख है क्रिश्चियन है तो आपको इस देश में ही रखेंगे, लेकिन सेकेंडरी सिटीजनशिप देंगे, दुहेरी नागरिकत्व, और उन लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार नहीं होगा, एजुकेशन में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, हेल्थ पॉलिसी में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, बजट में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी इस देश में एक समय था कि मनुस्मृति का कानून हुआ करता था, इस मनुस्मृति में हम लोगों को गुलाम बनाया गया था, ये फिर से मनु की औरतें फिर से जन्म ले गई है और ये हमको फिर से इस देश में गुलाम बनाने का काम कर रही है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये इस देश के एससी एसटी ओबीसी और सारे महिलाओं को, चाहे वो ब्राह्मणों की क्यों ना हो, उनको भी गुलाम बनाने को ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे वक्ता है, मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में रखूंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्यों ये लोग संविधान के खिलाफ है, क्यों इस देश का संविधान ये हटाने पर तुले है, ऐसा क्या है। अरे 350 से ऊपर आपके संसद में लोग बैठे हैं, चाहे वो कानून आप बना सकते हो।